ये इससे बैरिकेडिंग किया जाएगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जो है ये लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आरती देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस स्थान पर VIP लोग का बैठने का व्यवस्था रहेगा, और उस साइड देखिए सब लोग आम लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर बैठ के जो है गंगा आरती देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, और इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और अभी मैं मौजूद हूं अपने वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर। और आज देखा है तो कार्तिक पूर्णिमा का आज गंगा स्नान भी हो रहा है। ये देख रहे हैं बहुत से श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान भी कर रहे हैं, और आज ही के दिन है देव दीपावली। यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि स्नान करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि पूजा भी किया गया है, और सामने है शीतला माता मंदिर जो कि शीतला घाट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट पर। भी इस समय तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर होगा विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जो कि गंगा आरती देखने के लिए घाटों पर तो जमावड़ा रहेगा ही, साथ ही गंगा नदी में भी आपको जमावड़ा दिखेगा। गंगा यानी कि नाव पर, बोट पर, क्रूज पर आपको नजर आएंगे गंगा आरती देखते हुए। ये देख रहे हैं फूलों से बहुत ही खूबसूरत इस घाट को, दशाश्वमेध घाट को सजाया गया है, और ये है शीतला माता मंदिर शीतला घाट पर मौजूद। ये देख रहे हैं, और दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस प्रकार इस समय भीड़ देख रहे हैं, उसी प्रकार अगर शाम के समय आते हैं तो शाम के समय यह जो भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ लगभग इसका 4 से 5 गुना देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे, देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर दिया गया है, और उसी प्रकार आगे जाने के बाद जो कि दशाश्वमेध घाट का हिस्सा आगे भी है, और आगे से भी मैं आपको दृश्य दिखाता हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल देख रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जो हैं इस समय कार में लगे हुए हैं बैरिकेडिंग, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं यह है, देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। फिलहाल देखिए शाम के समय आएंगे तो इसे भी बैरिकेड कर दिया जाएगा। ये इसे भी देख रहे हैं सामने बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे उसी प्रकार देखिए ठीक सामने। ये देख रहे हैं बड़े बड़े LED लाइट भी लगा हुआ है। सामने देख पा रहे होंगे यह जो मंच, ये देख रहे हैं स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा किया गया है, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे। नगर निगम विभाग के हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कूड़ा साफ कराने। हटिए हटिए। फिलहाल देखा है तो काफी जोर शोर से जो है दशाश्वमेध घाट को सजाया जा रहा है। इस साइड देख रहे हैं ये इसे बैरिकेडिंग किया जाएगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जो है ये लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आरती देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस स्थान पर VIP लोग का बैठने का व्यवस्था रहेगा, और उस साइड देखिए सब लोग आम लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, यानी कि वहाँ पर बैठ के जो है गंगा आरती देख सकते हैं। फिलहाल देखिए बैरिकेडिंग किया जा रहा है, और घाटों का सफाई अभियान भी चल रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, खासकर दशाश्वमेध घाट पर, यानी कि जो आज पूजा हुआ था, पूजा में काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो गया था इस घाट पर, इसलिए इस घाट को जो है वो सजाया जा रहा है। चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए इस साइड है चेंजिंग रूम, मैं देख रहे हैं कूड़ा कबाड़, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घाटों को जो है वो साफ किया जा रहा है। ये देखिए पानी का प्रेशर देख रहे हैं, और उसी प्रकार देखिए इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जो है घाट को साफ किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो कि बैरिकेडिंग किया गया है। फिलहाल देखिए यहाँ पर कई सारे छोटे दुकानें थे जो कि इसे भी हटा लिया गया है भीड़ को देखते हुए, और
और सामने जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं वह भी एक चेंजिंग रूम बनाया गया है, और टॉयलेट जो है वो है ऊपर है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर। ये देखिए, ये देख रहे हैं इस घाट पर भी काफ़ी ज़बरदस्त भीड़। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये लोग, जितने भी महिलाएं पुरुष आपको नज़र आएंगे, ये सभी लोग आए हुए हैं अपने काशी के बाहर से। ये देखिए इस साइड भी देख पा रहे होंगे जो कि चेंजिंग रूम, जो कि बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है अपने वाराणसी के घाटों पर। और वैसे बात किया जाए यह जो रास्ता है ये सीधे चला जाएगा गंगा द्वार होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से हम लोग पहुंच चुके हैं मान मंदिर घाट, जिसे मान महल घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए फिलहाल इस घाट पर भी भीड़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोग जो कि यहां पर स्नान कर रहे हैं अभी तक, और ये जो सिलसिला है ये पूरा शाम तक चलता रहेगा, और उसके बाद सभी घाटों पर आपको दीपक जलते हुए नज़र आएगा, चारों तरफ लाइट, आतिशबाजी भी देखने को मिलेगा अपने वाराणसी के घाट पर। ये देखिए सभी घाटों पर कुछ इस प्रकार का छोटा दुकानें भी आपको नजर आ जाएगा, लेमन टी बिकते हुए नजर आ जाएगा, और बहुत से लोग पंडित जी लोग आपको टीका लगाते हुए भी नजर आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है गेस्ट डॉल्फिन रेस्टोरेंट, ये देख रहे हैं इसी के ठीक ऊपर ये जो देख रहे हैं जो कि एक बाघ का एक मूर्ति भी है, और यह जो घर देख रहे हैं ये कोई मामूली आदमी का घर नहीं है, ये है काशी के डोम राजा का घर। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।